हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 के सारी बुक्स दिखा रहा हूँ। आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आपको बुक्स लेने में आसानी रहेगी। इसमें मैं आपको बुक की कॉस्ट भी दिखा दूंगा ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प मिल जाए। और मैं आपको इसमें यह भी बता दूंगा कि बुक्स आप न्यू लो या पुरानी लो। ठीक है, देखो, बुक्स अगर आप ले रहे हैं ना पुरानी, तो 2023 की लो, उससे पहले की मत लो। क्योंकि अगर आप पहले की लोगे तो बुक तो चल जाएगी वो, लेकिन बात ये होगी फिर आपको बहुत सी चीज़ें डिलीट करनी पड़ेगी, निशान लगाने पड़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा। या तो न्यू ले लो 2024 की या 2023 की लो, लेकिन 2023 की भी ध्यान से लेना। कहीं 2023 की तो होती है लेकिन वो पुराना प्रिंट होता है, तो फिर आपको बार बार काटना पड़ेगा। तो इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता लग जाएगा कोई बुक खरीदने से पहले। ठीक है, और मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ, चाहे बच्चा प्राइवेट स्कूल का हो या गवर्नमेंट स्कूल का हो, सभी बच्चे इस वीडियो को देखिए। एनसीईआरटी आप में लगाई जाती है स्कूल में, सीबीएसई की गाइडेंस को फॉलो किया जाता है, तो आपको वीडियो देखनी चाहिए। एक बात और बता दूं कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल के होते हैं ना, तो उनमें हिंदी की जो बुक है वो स्पर्श भाग एक, संचयन भाग एक लगाई जाती है। ध्यान सुनना, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में होते हैं ना उनके लिए ये वाली बुक लगाई जाती है हिंदी की, लेकिन जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के होते हैं उनके लिए जो हिंदी की बुक होती है ना, वो क्षितिज होती है। क्षितिज और कृतिका होते हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अब फटाफट हम स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको जो है मैथ्स की बुक दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो मैथ्स की बुक है आपकी, और मैथ्स की बुक ये आपकी पड़ेगी 155 की। ठीक है, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हो, 155 की है। और जब आप नई बुक लेंगे ना, जैसे अगर आप पिछले साल की भी ले रहे हो, जैसे ये पिछले साल की बुक है, ठीक है, तो आप पिछले साल की है, लेकिन इस साल की जो न्यू बुक बिल्कुल सेम रही है, तो क्योंकि पिछले साल न्यू ही खरीदी गई थी। तो ये नंबर सिस्टम, पॉलीनोमियल्स, आप देखो जो पुराने बुक होगी ना उसमें आपको 15-16 चैप्टर मिलेंगे, नई बुक में देख लो कौन कौन से चैप्टर हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देख लो। ठीक है, यहाँ पे कोण और रेखा वाला है, और इस पहले चैप्टर का नाम जो यहाँ पे नंबर सिस्टम लिखा ना, तो वहाँ संख्या पद्धति होगा, फिर बहुपद होगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर 11वां चैप्टर है ना, उसके बाद जो है फिर 12वां आ गया। 12वां जो है सांख्यिकी होगा, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे ना सांख्यिकी, बाकी बुक अंदर से तो सेम होगी। अब इसके लिए एनसीईआरटी लेनी चाहिए ना, आंसर वाली बुक भी आती है, तो आंसर वाली बुक ना लेके ना आप एनसीईआरटी लो, तो मैथ्स के लिए वही बेटर रहती है। आपको बुक दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका पहले चैप्टर का पहले एक्सरसाइज दिखा देता हूँ ना, ताकि आपको थोड़ा इसमें आइडिया मिल सके। देखो ये है, ऐसे ये क्वेश्चन देख लो अमाउंट। ठीक है, उसके बाद ये है, फिर देखो 1.2 है। अब जो बच्चे पुराने बुक वाले हैं ना, तो वो पुरानी बुक भी देख सकते हैं। अब मैं पूरी पूरी बुक खोल के नहीं दिखा रहा, केवल एक पहला चैप्टर दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देख लो, ये 1.4 है। अब नई बुक में 1.4 ये है, पुरानी बुक में 1.4 आपको एक मैग्नीफिकेशन वाला ग्लास होगा, उसके रिगार्डिंग होगी, तो आपको यही पता लग जाएगा कि अंतर क्या है। ठीक है, तो ये देखो, ये 1 चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, ये मैथ्स की हो गई। अब उसके बाद हम लेते हैं साइंस की बुक। तो साइंस की बुक आप एनसीईआरटी लेना चाहे एनसीईआरटी ले सकते हैं। कई बच्चे जो है ना वो एनसीईआरटी ना लेके आंसर वाली बुक लेते हैं, ये आपके ऊपर है। आंसर वाली बुक में होता है बच्चों को हेल्प मिल जाती है थोड़ी ज़्यादा, तो बस एनसीईआरटी से लाइंस कुछ अलग होती हैं चैप्टर्स की, बाकी ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता। 150 रुपीज़ के अगर आप साइंस के लोगे ना एनसीईआरटी, तो ये आपको 150 की पड़ेगी। और अब आप चैप्टर्स वगैरह देख लो, ये सारे चैप्टर्स आपको करने हैं। ठीक है, नई बुक के हिसाब से, पुराने बुक में ज़्यादा दिए होंगे। ठीक है, उसके बाद ये देख सकते हो आप सारे। फिर अब आ जाओ SST पे, आ जाओ सोशल साइंस पे आ जाओ। इसमें जो है आपकी वन देख लो, चार बुक्स हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसको हिस्ट्री की बुक कहा जाता है, इतिहास की बुक। ये 1 इसलिए क्योंकि 9th में 1 और 10th में सेकंड पार्ट पढ़ेंगे इसका। ठीक है, तो ये है आपकी 115 रुपये की। ठीक है, और जैसे पुराने बच्चे बुक खरीद रहे, तो देख लो कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, यही करने हैं आपको। ठीक है,
देख लो 1 2 3 4 5। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री की दिखा दी, ठीक है। उसके बाद जो है आप एसएसटी हिंदी मीडियम में भी ले सकते हैं, जैसे कि बच्चे साइंस और मैथ इंग्लिश में लेते हैं ना, तो एसएसटी हिंदी में भी ले सकते हैं। बस आपको अपने स्कूल से कंफर्म करना है, जिसमें आपको अच्छे समझ में आए वही लेना, या जिसका एसएसटी में इंटरेस्ट है ना वो इंग्लिश में ले लेना, जो इंग्लिश मीडियम है उसको कह रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले तो हिंदी में ले सकते हैं, ठीक है, और वो हिंदी में लेते हैं। फिर इकोनॉमिक्स की बुक है, यहाँ पर देखो ये 60 रुपये की है, ठीक है। चैप्टर आप देख लो, देखो 4 चैप्टर हैं इसके, ठीक है। मिड टर्म के लिए आपको 2 तैयार करने हैं, फिर मिड टर्म के बाद आपको बाकी करने पड़ेंगे, फाइनल में पूरा आएगा। जो भी आपको जैसे हिस्ट्री की बुक दिखा रहा हूँ ना, आधे आधे चैप्टर कर लें आपको पहले, ठीक है। ऐसे मैथ्स के भी आधे आधे कर लेना, मिड टर्म में आधे, फाल टर्म में बाकी बचे हुए, और फाल टर्म में पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है। तो मैंने इसकी कॉस्ट बता दी थी आपको 60 रुपये की। उसके बाद जो है ये ज्योग्राफी की बुक, कंटेम्प्रेरी इंडिया 1, ठीक है, भूगोल की बुक है ये। तो यहाँ पर है 65। अब देखो कई बच्चे कहते हैं सर आपने यहाँ 65 बताया था, हमसे 75 रुपये लिए, तो कई बार ये जो इसके ऊपर जो जेल चढ़ाए जाते हैं तो उसके भी चार्जेस लिए जाते हैं, तो वो थोड़ा वो 10-15 रुपये का आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। टोटल अगर बुक्स का देखेंगे तो 50-100 रुपये ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ठीक है। 65, ठीक है। तो चैप्टर देख लो इसमें कौन कौन से हैं, ये हैं चैप्टर, 6 चैप्टर हैं इसमें, ठीक है। तो बाकी तो बुक अंदर से आप पढ़ोगे, वो तो आप देख ही लोगे। उसके बाद ये है डेमोक्रेसी की लोकतांत्रिक बुक है, सिविक्स की बुक है, राजनीति की बुक है 1, ठीक है, क्योंकि सेकंड जो 10th क्लास में होती है। और इसकी जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज की। चैप्टर सब देख लो कौन कौन से, जो यहाँ चैप्टर है आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। चैप्टर अच्छे देख लो, पुरानी बुक में जो है ना आपको 6 दिखेंगे, ठीक है, नए बुक्स के हिसाब से लेना, इसलिए कह रहा हूँ कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, ठीक है। और ये संविधान का दर्शन या संविधान का जो दर्शन है उससे रिलेटेड है, ये चुनाव से रिलेटेड है, ठीक है। जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है वो तो आप जो चैप्टर पढ़ोगे आपको पता लगेगा, हिंदी वालों के लिए थोड़ा बहुत बता रहा हूँ मैं। लोकतंत्र क्या है ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, तो इसकी एक कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है मैंने आपको बता दी थी 90 रुपीज, ठीक है, डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद हमारी जो बुक है वो मैं आपको दिखा दूं, तो ये प्राइवेट स्कूल में ना ये 2 बुक्स लगाई जाती हैं, स्पर्श, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को पढ़ाई जाती है, या जो केवीएस स्कूल होते हैं वो इसे पढ़ाते हैं, या जो केवीएस वाले स्कूल जो बच्चे पढ़े हैं जो मैं जानता हूँ उनमें जो है कृतिका और जो बुक मैं भी आपको दिखाता हूँ वोली भी पढ़ाई जाती है। तो आप हिंदी बुक लेने से पहले जो है अपने स्कूल में चेक करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों को तो जो है वो यही पढ़ाई जाती है जो कृतिका की बुक होती है, ठीक है। ये कृतिका की जो बुक है ना ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जाती है, आप इसे आराम से देख सकते हैं, पुरानी वीडियो है ना वही दिखा रहा हूँ, मतलब पिछले साल की जो बुक, ठीक है। तो कृतिका का है आपका, एक मिनट, तो ये कृतिका हो गई और ये शीतेश की बुक हो गई, ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ये दो बुक्स पढ़ाई जाती है, ये चैप्टर्स वगैरह आप देख सकते हैं नई बुक के हिसाब से, ठीक है। और ये जो स्थिति के से पहले जो मैंने आपको कृतिका दिखाई थी, तो कृतिका इसमें चैप्टर बहुत कम कर दिए गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो कौन कौन से इसमें पार्ट हैं। ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो सर 3 पार्ट है इसमें, तो 2 पार्ट आपको मिड टर्म में कर लेना है और 1 पार्ट आप फाइनल में, तो फाइनल में तीनों आ जाएंगे मिला के, ठीक है। ये हिंदी के दोनों में दिखाते हैं, इसके एक बार चैप्टर खोल देते हैं, ये प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए, ठीक है, फिर भी आप देख लो क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, तो इसलिए ये देखो ये है, ठीक है, संचयन में और स्पर्श में देख रहे हो,
ये वाले पार्ट, ठीक है, ये पैर स्कूल वाले बच्चों के लिए, ओके। उसके बाद इंग्लिश की बुक पर आ जाओ। इंग्लिश की बुक में एक मोमेंट वाली बुक है, ठीक है, और ये जो मोमेंट बुक है इसमें आप देख लो कौन कौन से लेसन है आपके। ये देखिए, ये 9 लेसन है, ठीक है, और बाकी तो आप आराम से देख ही सकते हैं, लेसन वगैरह अच्छे से इसे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना दूसरी आपकी एक और बुक है, ठीक है, मोमेंट के बाद जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये बिहाइव नाम की बुक है, ये बिहाइव, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये देख लो आप बिहाइव, ये बिहाइव बुक है, ठीक है, ये आप बुक देख सकते हो। अब जो, ठीक है, बाकी मैं आपको एडिशनल बुक दिखा देता हूँ, आप एडिशनल बुक वगैरह देख लो अच्छे से। देखो मैथमेटिक्स के लिए ना, जैसे कि हम बच्चे फॉर्मेटिव टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये बुक की प्रैक्टिस करते हैं, ये आपको मार्केट में मिल सकती है, आप इसे पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ खाली, नहीं तो सपोर्टिव मटेरियल बहुत होता है, ठीक है, इसमें एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, बच्चे को थोड़ा सा करवा जाता है। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं एक बच्चे की प्राइवेट स्कूल की बुक्स दिखा रहा हूँ, उनके स्कूल में कौन कौन से बुक्स लगवाए जाते हैं ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाए। तो साइंस में जरा डीपली आता है ना, तो साइंस में डीपली अच्छे से बच्चों को स्टडी कराने के लिए सारे के सारे प्रैक्टिकल वगैरह करवाए जाते हैं यहाँ पर, जितने प्रोजेक्ट है जो जो आपके कोर्स में है, ठीक है, तो उसमें हेल्प हो जाती है। तो ये है बस थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये लो, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी अब कई बच्चों के सिलेबस में ना अलग अलग स्किल सब्जेक्ट होते हैं, तो स्किल सब्जेक्ट की मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी, वो भी देख लेना कौन कौन से होते हैं। तो ये आईटी, जैसे इस प्राइवेट स्कूल में आईटी है, तो आईटी के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है ना वो ये वाली है, और भी मार्केट में हो सकती है, ऐसा ये नहीं है कि मैं ये कह रही यही होगी खाली, ठीक है। तो ये अच्छी इसे बुक जो है एन ई पी पॉलिसी को जो फुलफिल करती है उसके अकॉर्डिंग ये बुक लगाई गई है, ठीक है। और क्राफ्ट वो तो अलग स्कूल वाले आपको पता ही है, एक्टिविटीज वगैरह करवा देते हैं, ठीक है। तो मैथ्स की तो मैंने आपको दिखाई दी, ठीक है, एक और ये दिखा रहा हूँ जिसमें बच्चे को और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वगैरह कराई जाती है ताकि बच्चे का बेस और अच्छे से हो सके, अच्छा अच्छा स्कोर कर ले, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। Take care, side dear students.